गुरु अर्जन देव जी महाराज गुरु नानक देव जी महाराज की पंजवीं जोत हैं और इंज कह लो सिख जगत गुरमत का यह मध होंदा है गुरु अर्जन देव जी महाराज ते। गुरु अर्जन देव जी महाराज नूं बाणी का बहुत कहिंदे ने, बाणी का सागर कहिंदे ने। आप जी का जन्म वाकई अदुत्ती है, महान है। गुरु रामदास जी महाराज के तीन साहिबजादे बाबा पृथ्वी चंद, बाबा महादेव ते सब तो छोटे आप गुरु अर्जन देव जी महाराज। माता भानी जी हैं और इस तरीके नाल आप धार्मिक माहौल विच परवरिश पा रहे हैं। गुरु अमरदास जी महाराज की गोद विच अक्सर खेडते हैं। गुरु अमरदास जी महाराज की असीस अक्सर आप नूं प्राप्त होंदी है। एक दिन आप जब एक साल दे सन तां गुरु अमरदास जी महाराज दे सिंघासन ते चढ़ रहे सन, उपर बैठन दी कोशिश कर रहे सन। गोविंदवाल दी एक गल है जो आप दा जन्म स्थान है। तां एकदम भज्जे हुए माता जी आए और आप नूं पकड़ लिया, बई नहीं, इह सतगुरां दा सिंघासन है, इह सतगुरु देव जी महाराज दा अस्थान है, इस ते नहीं बैठी दा। गुरु अमरदास जी महाराज ने एकदम गलवकड़ी च लै लिया अपने दोहते नूं, सिंघासन ते बिठा के आखिया, दोहता बाणी का बहुत। गुरु अमरदास जी महाराज के इशारे तो गुरु अर्जन देव जी महाराज की होंद का एकदम पता चल गया। भट्ट कहिंदे ने, हे गुरु अर्जन देव जी महाराज, तें जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणे हो, तुसी जमदियां ही गुरमत दे धारनी हो, ब्रह्म दे पहचानन वाले हो। साधना करके तुसी ब्रह्म नू नहीं पहचानिया, बल्कि जमदियां ही ब्रह्म दी पहचान थोड़े कोल है, बोध थोड़े कोल है, गुरु दी मत थोड़े कोल है। कहिंदे ने चार तरह दे पुरश धार्मिक मंडल विच देखी देने। एक ओ जन्म लैंदा है, अख खोलदा है ते अपने आप नूं ओ परमात्मा दी गोद विच महसूस करदा है। इस तरह दे पुरश अवतारी पुरश कहलांदे ने, उच्च कोटि दे पुरश कहलांदे ने और ए प्रथम श्रेणी दे पुरश होंदे ने। दूसरे ओ जो चल चल के पहुंचे ने परमात्मा दी गोद तक, साधना कर करके पहुंचे ने परमात्मा दी गोद तक। ए गल वखरी है, साधना एक दिन दी कीती है, एक महीने दी कीती है, या साधना एक साल दी है, या एक जन्म दी है, या कई जन्मां दी है, ए उन्हां दे चलन दुते सी, पर पहुंचे हो साधना कर करके ही ने। इस श्रेणी दे जिहड़े महापुरुष आंदे ने उन्हां नूं कहिंदे ने भगत संत। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे गुरु बाणी दे नाल नाल भगतां दी बाणी है। भगत बाणी ते गुरबाणी दे च कोई अंतर नहीं। अगर अंतर कोई करना भी होवे तो इतना ही है कि गुरु वो है जिसने अख खोली ते परमात्मा दी गोद सी, भगत वो है जो चल चल के पहुंचे है परमात्मा दी गोद तक, लेकिन दोहां ने गल उस गोद दी कीती है, उस परमात्मा दी कीती है, उस अकाल पुरख दी कीती है। तो कबीर ते खुद अपनी रचना दे कबूल कर देने के पूर्व जन्म हम तुमरे सेवक अब तो मिटिया ना जाई, हे अकाल पुरख, पिछले जन्म दे च भी मैं तेरा सेवक सी, साधना करदा रहा, पर मेरी साधना सफल नहीं हुई क्योंकि मैं तेरी गोद तक नहीं पहुंचया, मैं तेरे दर तक नहीं पहुंच सकया। जीवन दा अंत हो गया रस्ते दे च, और अदकी तू मेर कर, बख्शिश कर, मैं तेरी गोद तक पहुंचा, तेरे दर तक पहुंचा, तेरे घर तक पहुंचा। तो दूसरी श्रेणी दे च ए मनुख आउंदे ने परम पुरख जो चल चल के परमात्मा दी गोद तक पहुंचे ने। तीसरे ओ ने जो दो कदम अग्गे चलदे ने, एक कदम पिछे भी मुड़दे ने। उन्हां दा चलना बस ऐसा है, अग्गे भी गए पिछे भी चले गए, दान पुन भी कीता पर कुछ बेईमानी भी कर ली, सच भी बोल लिया झूठ भी बोल लिया, परोपकार भी कर लिया
दुराचार भी कर लिया, अग्गे भी वधे, पिछे भी मुड़े, ए तीसरी तरह दे साधक ने और अक्सर रस्ते विच रह जांदे ने ते धार्मिक दुनिया दे ए तीसरी कोटि दे मनुख ने। धार्मिक दुनिया दे चौथी श्रेणी दे ओ मनुख ने जो जीवन भर पुछदे ते रहंदे ने पर मार्ग ते कदी कदम नहीं रखते, चलते नहीं। जिन्हों का जिक्र भाई गुरदास जी इंज करते ने, पूछत है पथक ते मार्ग न धरे पग, प्रीतम के देश कैसे बातन से जाइए। सिर्फ पुछते ही रहते ने और सारी जिंदगी पुछद ही बतीत कर छड़दे ने, मार्ग ते कदी कदम नहीं रखते, कदी पैर नहीं रखते। ये चौथी श्रेणी दे मनुख ने। पंजवीं श्रेणी का मुख मनुख धार्मिक दुनिया दे च नहीं आउंदा, ओ मनुख है जिदी जिंदगी दे च धर्म कोई मसला ही नहीं, वो पुछदा भी नहीं, चलदा ते है ही नहीं, वो पुछदा भी नहीं, ओदी जिंदगी दे च इसका कोई सवाल नहीं है, ईश्वर ओदी जिंदगी दी समस्या नहीं है, धर्म ओदे जीवन दी कोई लोड़ नहीं। ये बिल्कुल बेहोश सुत्ता होया मनुख है, इत्ते कोई बहुत वड्डी दुख दी चोट इसनू लगे ताई धर्म इदी जिंदगी दा मसला हो सकेगा, ताई ये थोड़ा सुचेत होके इस मार्ग ते चल सकेगा, वरना ए ते इसे तरीके नाल बेहोशी रे जिंदगी बतीत करता है। और दुख हर हालत विच दुख नहीं, दुख दी चोट इस वास्ते है कि बंदा जागे, दुख दारू सुख रोग भया, जां सुख ताम न होई, या केतिया दुख भूख सदमार, ए भेदा तेरी दाता। एक सूफी फकीर का कहना है, जख्म जब भी कोई जहनो दिल पर लगा, जिंदगी की तरफ एक दरीचा खुला, हम भी गोया किसी साज के तार हैं, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे, चोट खाते रहे गुनगुनाते रहे। जरब तो बिना, चोट तो बिना ते सितार दियां तारां भी नहीं बोल दियां, चोट तो बिना ते तबले दिच आवाज भी नहीं निकलती। बिना दुख दी चोट तो मनुख दी रसना दिचों भी परमात्मा दा नाम नहीं निकलता, ईश्वरी इबादत नहीं आती। तो दुख हर हालत दिच परमात्मा दी दित्ती हुई करोपी नहीं, उदी बख्शिश है, जगाण वास्ते ये चोट चाहिदी है, जगाण लई ये दुख ये भुख चाहिए। इस वास्ते जगत गुरु बाबे गुरु नानक देव जी महाराज ने दुख नूं ईश्वर दी करोपी नहीं आखिया, दात आखिया, केतियां दुख भूख सदमार, ए भेदा तेरी दाता। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज अवतारी पुरुष ने और प्रथम श्रेणी दी पुरुष ने, तै जनमत गुरमत ब्रह्म पछाण, आप जमदे ही ब्रह्म दी पहचान करन वाले ने और गुरमत दे धारनी ने। आप जी दी देन हरिमंदर सा दरबार सा, जिथे अमृत सरोवर गुरु रामदास जी महाराज दी देन है, उथे हरिमंदर गुरु अर्जन देव जी महाराज दी देन है। और आपने महान तीर्थ तरन तारन साहब बनाया, जो अज भी वो तीर्थ रोगियां दे रोग खंडन विच समर्थ है, खास करके जल्दी बीमारियां दे रोगी, कोड़ दे रोगी, होर इस तरह दे छोटे मोटे जल्दी बीमारियां दे रोगी उत्थे जाके जद सुखमनी साहब दा पाठ करदे ने, सरोवर दा इशनान करदे ने भावना नाल, तो देखण दे चाया ए बीमारी अज भी उन्हां दी दूर होंदी है। गुरु अर्जन देव जी महाराज दीआं बख्शिशां अज भी उत्थे पूर्ण रूप दे छाईआं होईआं ने। आप जी ने करतारपुर साहब वसाया और इत्थे भी सत्संग दा महान प्रवाह चलाया, तामीरी रुचियां दे आप मालिक, लेकिन आप महान कलाकार ने, संगीत ते कविता आप दे रोम रोम दे समाई हुई है, कीर्तन दे आप इतने आशक इतने रसक कि कीर्तन तो बिना रह ही नहीं सकते। एक दफा सत्ते ते ब्रह्मंड ने जद कीर्तन करन तो इनकार कीता है, आप खुद ही सरंदा लेके कीर्तन करन लगे और झूम झूम के मस्ती दे कीर्तन करन लगे। इस तो एक गल स्पष्ट हुई, जिथे आप महान बाणी दे बहुत ने
उत्थे आप महान संगीतकार ने। और यह हकीकत है कि जद कोई हिरदा परिपूर्ण परमात्मा नाल जुड़िया होवे उहदे अंदरों राग निकलेगा। अज भी असी देखते हाँ कि दुख विच बंदा रोंदा है, खुशी विच बंदा गाउंदा है। खुशी विच गाउणा निकलदा है, दुख विच रोना निकलदा है। ते जिस दिन बंदे नूं परम खुशी मिलदी है, ते परम खुशी मिलदी है परम पुरख की प्राप्ति दे नाल, ते परम पुरख है परमात्मा। वह खुशी भी परम है, महान है, इतनी वड्डी खुशी कि अंदरों संगीत दे फुहारे छुट पैंदे ने, संगीत की झरनाहट अंदरों छुट पैंदी है। संसार का इतिहास इस गल का गवाह है कि संगीत ते साजां दे जन्मदाते संत लोग ने, महापुरश ने। मुरली दी देन श्री कृष्ण दी है। एक तारा नारद ने जगत नूं भेंट कीता है, डमरू शंकर दी देन है, रबाब सूफी फकीरां दा बख्शिश कीता होया है, और ए साज गुरु नानक देव जी महाराज नूं बहुत प्यारा सी, अत्यंत प्यारा सी। सरंदा गुरु अर्जन देव जी महाराज दी देन है। तो गल एक स्पष्ट हुई कि जद बंदा दुख दे चोवे ते रोना निकलदा है, जद बंदा परम आनंद दे चोवे तो गावना निकलदा है, संगीत निकलदा है, गीत निकलदा है। यही कारण है कि जिन्हां भगतां नूं परम आनंद दी प्राप्ति हुई, परम आनंद उन्हां दे अंदरों गीत ते संगीत दे राही प्रगट होया। दुनिया भर दे भगतां ने परमात्मा दी गल गीत दे च आखी है, संगीत दे चाखिए। चाहे वह कबीर ने, चाहे वह रविदास ने, चाहे वह बैणी ने, चाहे वह त्रिलोचन ने, ते चाहे जगत प्रसिद्ध भगतनी मीरा है, वह जद भी परमात्मा की गल करती है गीत दे च करती है, संगीत दे च करती है। गुरु नानक देव जी महाराज जिथे भी प्रभु की गल बोलते ने गीत दे च बोलते ने, संगीत दे च बोलते ने। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज अकाल पुरख की गल करते ने गीत दे च करते ने, संगीत दे च करते ने। ये बहुत वड्डी कला है गीत और संगीत। तो जद भी परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति आती है, वह हिरदे की सेजा ते विराजमान आता है, फिर भगतां की रसना तो गीत संगीत दे राही प्रगट होता है, ते जगत नूं उस परमात्मा का जो बोध मिलता है गीत दे राही संगीत दे राही। और ये गीत ते संगीत परमात्मा की प्राप्ति का भी साधन बनते हैं। जैसे गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज फरमान करते हैं, नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभ के गीत। भव सागर तो ते ओही पार होवेगा जो गीत गावे। और गीत गांदियां गांदियां मनुख उस विस्माद मंडल दे छा जांदा है जद अंदरों ही संगीत फुटन लग पैंदा है, अंदरों ही संगीत फुटन लग पैंदा है, अंदरों ही गीत दा सागर उमड़ पैंदा है। तो मुख्तसर अर्ज ए कि जद भी परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति होवेगी, परमात्मा गीत ते संगीत दे राही बार प्रगट होवेगा। दुनिया भर दे कीमती साज और खास करके साडे मुल्क दे साज ए भगतां दी देन ने। बीणा सुरस्ती दी देन है, एक तारा नारद दी देन है, डमरू शंकर दी देन है, मुरली श्री कृष्ण दी देन है, सरंदा गुरु अर्जन देव जी महाराज दी देन है, ढोलक ए भगतां दी देन है, खड़ताला ए भगतां दी देन है। दरअसल परमात्मा दी झरनाहट जद अंदर वजदी है ते उस झरनाहट नूं, उस अनहद धुनी नूं भगत जन बार प्रगट करना चाहते ने, तो वह बार फिर उस तरह की आवाज लभदे ने जिहड़ी कि वह अंदर सुनदे ने। भगत नामदेव जी महाराज कहिंदे ने, अणमड़िया मंदल बाजे बिन सावन घनहर गाजे, बादल बिन बरखा होई जो तत बिचारे कोई। नामदेव जी महाराज का कहना कि मेरे अंदर एक ढोल वज रहा है पर वह चमड़े का मड़िया होया नहीं है। इसी तरीके नाल मीरा कहिंदी सी, मेरे अंदर एक धुन वज रही है, उन्हूं मैं बाहर प्रगट करना है। तो एक तारा वजा के उन्हें प्रगट कर देता, ढोलक वजा के नामदेव ने अंदर दी धुन नूं बाहर प्रगट कर देता, डमरू वजा के अंदर दे अनहद नाद नूं शंकर ने बाहर प्रगट कर देता, और रबाब दी झरनाट दे नाल अनहद बाणी नूं गुरु नानक देव जी महाराज ने गा गा के बाहर प्रगट कीता। सरंदे दी धुन दे नाल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अंदर दे गीत नूं, अंदर दे संगीत नूं बाहर जो है प्रगट कीता। तो गल स्पष्ट है, बहुते दुख दे
बंदा रोंदा है, परम आनंद देच मनुख गाउंदा है। गीत दा संगीत दा संबंध खुशी देच है। आज भी जिस घर देच कोई मंगल होवे, कोई खुशी होवे, उत्थे फिर गीत संगीत दियां धुना छिड़दियां ने। जैसे बरात है तो बरात ते संगीत नाल शोभा पांदी है। बैंड बाजे, ढोलक, मृदंग इत्यादि। खुशी जिथे भी होवेगी उत्थे संगीत होवेगा। खुशी जिथे भी होवेगी उत्थे गीत होवेगा। तो गीत परमात्मा है, संगीत परमात्मा है। और गुरु अर्जन देव जी महाराज गीत ते संगीत दे मुजस्मे ने। आप दे रोम रोम दे संगीत है। आप दे रोम रोम दे परमात्मा दे गीत ने। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज कोमल हिरदे दे मालक। पर इस तरह दे जिहड़े पुरुष होंदे ने सतवादी, ए परंपरावादी नहीं होंदे, तो अक्सर इन्हां दा सताधारियां नाल घोल हो जांदा है, टकराव हो जांदा है। वक्त दी हकूमत, वक्त दे होर समाज दे मुखी, धर्म दे मुखी गुरु अर्जन देव जी महाराज नाल टकराए। टकराए क्यों? कि परम पुरख परंपरावादी नहीं होंदा, सतवादी होंदा है। ते सत ते परंपरा दे बड़ा अंतर है। परंपरा ते लकीर दा फकीर, मक्खी ते मक्खी मारना। पर सतवादी ते उह देखदा है कि सच्चाई की है, सच की है। तो अक्सर ऐसा होंदा है कि सताधारियां दा ते सतवादियां दा घोल हो जांदा है। उड़ीक है उस दिन दी जिस दिन सता ते सताधारी दे च, सत ते सताधारी दे च घोल ना होवे, इक मिक होवे। ते ए ताई हो सकेगा कि सतवादी सताधारी होवे ते सताधारी सतवादी होवे। ताही जगत दे च कल्याण मंगला चरण दियां धुन्ना गूंजन गियां। नहीं ते जगत अनर्थ ते नरक दा रूप बनया रहेगा। साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज दे नाल मसंदा ते शरीका ने भी बहुत भैड़ा वतीरा कीता। और खास करके आप दे वड्डे भरा ने चारों पासे मसंदा दी ड्यूटी ला दित्ती। कोई भी सिख, कोई भी श्रद्धालु गुरु अर्जन देव जी महाराज तक पहुंचन ना पावे। ऐसा होया तीन दिन लंगर भी मस्ताना रहा। और हालत ऐसी हो गई कि जगत माता गंगा जी आप जी दी सुपत ने, उन्होंने सारा घर टोलिया। बड़ी मुश्किल दे नाल एक मिट्टी दे भांडे दे च थोड़ा जिहा बेसन पिया सी, उहदे दो प्रसादे बना के सतगुरां दे अगे रखे। क्योंकि पृथ्वी चंद अन्न लुट के लै गया सी, धन लुट के लै गया, चारपाइयां लुट के लै गया, भांडे लुट के लै गया, घर दे च कुछ भी नहीं सी। दो रुखे मिसे प्रसादे जद गुरु अर्जन देव जी महाराज दे अगों रखे ता आ जारो जार रो पईआं। धीरज दयालु ते ब्रह्म ज्ञान दे मुजस्मे गुरु अर्जन देव जी महाराज ने अपनी पत्नी नूं संबोधन करदे आया एक कीमती पंक्तियां उचारण कीतियां जो गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अंदर कानड़ा राग दे दर्ज ने। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बिहात, की होया ऐ सखी, भोजन रुखा है, अन्न नहीं है, धन नहीं है, पर तू फिक्र ना कर। पृथ्वी चंद अन्न लुट के लै गया है, धन लुट के लै गया है, वस्त्र लुट के लै गया है, साजो समान लुट के लै गया है, पर इन्हां सारियां दातां नूं देण वाला जिहड़ा दाता है उह ते मेरे हिरदे च बैठा है। उस नूं ते लुट के नहीं लै गया, उह ते मेरे कोल, उह ते मेरे अंदर विराजमान। इतने धीरजवान खिमा दी मूर्ति निर्माणता दे मुजस्मे साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज। प्रीत आप दे रोम रोम दे छाई हुई है। रब्बी प्यार आप दे अंग अंग दे समाया है। आप दे कहंदे ने एक घड़ी न मिलते तां कल जुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। हे अकाल पुरख, ए तिक परंपरा है, कथनी है कि सतजुग तो बाद त्रेता आया, त्रेते तो बाद द्वापुर आया, द्वापुर तो बाद कलयुग आया। असलियत ए है, ऐ प्रभु जिस घड़ी तो नहीं मिलता बस उसे वक्त कलयुग है। जब तेरा मिलाप है ता सतयुग है, और तेरा विछोड़ा है तो कलयुग है। एक घड़ी ना मिलते ता कलयुग होता, हुण कद मिलिए प्रिय तुद भगवंता। प्यार आप दे रोम रोम दे समाया।
सब तो महान देन जो गुरु अर्जन देव जी महाराज दी सिख जगत लई है वो है गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बीड़ दी बंदिश। आपने गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु अंगद देव जी महाराज, गुरु अमरदास जी महाराज ते गुरु रामदास जी महाराज दी बाणी संग्रह कीती, एकत्र कीतियां, पोथियां एकत्र कीतियां ते फिर अपनी बाणी ए बीड़ आपने बनाई राम सर दे श्री अमृतसर दे राम सर दे तट ते बैठ के आपने ए बीड़ तैयार करवाई साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी ते फिर हरिमंदर साहब दे आपने प्रकाश करवाया। बीड़ तैयार कराण लग्या इस गल दा खास ध्यान रखिया गया कि उना उना भगतां दी बाणी नूं ही गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे चाड़ना है जो सिखी आशे दे अनुकूल हन, सच दे अनुकूल हन, यथार्थ दे अनुकूल हन। भगत छज्जू जी जद आए ते उन्होंने अपना कलाम पेश कीता ते कहन लगे कागज संधि पुत्री तो भी त्रिय ननिहार यही मार ले जावई यथा बिलोचन धार। स्त्री अगर कागज दी भी बनी होवे तो नहीं वेखना चाहिदा, मन चंचल हो जाता है। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज कहन लगे छज्जू अपनी मां नूं वेखदा है कि नहीं, अपने भैण दे दर्शन करदा है या नहीं, भैण नूं वेख के मन मैला होंदा है? छज्जू जी कहन लगे नहीं, मां नूं वेख के कदी मन मैला होया? नहीं महाराज, कदी नहीं मैला होया। तो जगत दे तमाम स्त्रियां नूं मां समझ ले, भैण समझ ले, मन मैला नहीं होएगा, मन निर्मल होगा। कान्हा जी कहन लगे मैं ओही रे, मैं ओही रे, एकदम रोकया। सतगुरु कहन लगे असी मैं दे चलीन नहीं होना, असी तू दे चलीन होना, तेरे बचन भी गुरु आशे अनुसार नहीं। फिर जमाल हुसैन बोले चुप वे अड़िया चुप, बोलन दी नहीं जावे अड़िया चुप वे अड़िया चुप। सतगुरु कहन लगे नहीं, तेरे बोल भी गुरु आशे अनुसार नहीं ने, असी ते इस ढंग दे बचना नु ही थां दे सकदे आ। जब लग दुनिया रहिए नानक किछ सुनिए किछ कहिए। जगत दे जितने दिन तक जीवना है कुछ कहना है कुछ सुनना है, इसे लई अकाल पुरख ने कन बनाए ने, रसना बनाईए। ए नहीं कि खामोश हो जाना है, चुप हो जाना है, नहीं, बोलना है। बोल के ही जगत नाल संबंध जुड़दा है ते बोल के ही परमात्मा नाल संबंध जुड़दा है। ठीक ढंग नाल बोल सकीए, इस वास्ते जगत तो कुछ सुनदे भी रहना है, ठीक सुनदे भी रहना है, ताकि जगत की होंद दा और ओदी असलियत का पता चले। तो आपने बड़ी सावधानी दे नाल भगतां दी बाणी एकत्र कीती और उना उना भगतां दी जो गुरु ते सच दे आशे अनुसार सी, इस ढंग नाल आपने बाणी दा बोहत बाणी दा जहाज तैयार कराया और हरिमंदर साहब विच प्रकाश करा के ताबिया विच बिठाया भाई बुढ़ा जी। आपने उस दिन जो सिखां प्रति उपदेश कीता होए कि सतगुर के शरीर हैं जो सब थान समय सब नादर सह हैं, ग्रंथ रिदा गुरु को एहो जानो उत्तम है सब काल रहे हैं। मेरे स्वरूप ते यहाँ ते है धीरग साहेब जान अदायब कह हो, पूजो चंदन को केसर को घस धूप दुलखाए के फूल चढ़े हो। साहेब कहने मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना क्यों, मैं आज हाँ कल नहीं पर ए जुगो जुग अटल ने, मैं एक थां ते हां सारी थां ते नहीं पर शब्द दा प्रकाश सारी थावां ते, गुरु मेरे संग सदा है नाले। ए शब्द अंग संग होवेगा, शब्द गुरु हर वक्त हर थां ते अंग संग होवेगा, सर्व काल होवेगा, सर्व ठोर होवेगा। इस वास्ते मेरे स्वरूप तो वड्डा करके जानना, महान करके जानना, निर्माणता दे पुंज ने पहले प्रकाश दे समय अपना मस्तक गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे अगों झुकाया और सिख जगत नूं यही प्रेरणा की थी कि मेरे स्वरूप ते यहाँ ते है दीरग साहिब जाम अदायब कह हो, बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। आप दी शख्सियत बारे आप दी महानता बारे भट्ट इंज कहंदे ने, ओ भट्ट जो सारी जिंदगी संत दी पूर्ण गुरु दी टोल दे चरे
पर ना मिले आके दे। आप स्वयं कहंदे ने रहो संत हो टोल, साध बैउ तेरे डिठे, सन्यासी तपस्वी मुखों ए पंडित मिठे। बरस एक हो फिरो कनोनो परचो लायो, कहते कहते सुनो रहत को खुशी ना आयो। पट कहंदे हर थां ते कथनी सी रहनी नहीं सी, कहनी सी रहनी नहीं सी, पर अज इस तरह दे पुरुष दे दर्शन होए ने जो रहनी दा मुजस्मा है, ते कहनी दा सरदार है, कहनी दा सिरमौर है, कथनी दा सूरवीर है और करनी दा महाबली है। उसते अज दर्शन होए ने तदी ते भट्ट गुरु अर्जन देव जी महाराज बारे कहंदे ने, जब लो नहीं भाग ले लारो दे, तब लो भ्रम ते फिर ते बोधायो। कल घोर समुद्र में बूढ़ थे, कब हो मिट हे नहीं रे पछतायो। तत् विचार यह मथुरा जग तारन को अवतार बनायो, जप्यो जिन अर्जन देव गुरु फिर संकट जो गर्भ न आयो। वकत दी हकूमत ने, वकत दी सता ने जेठ सुती चौथ नू लाहौर देच आप नू तरह तरह दे तसीये देखे शहीद कीता। तत्ती तवी ते बिठाया, उबलदी देग देच उबालिया, गर्म गर्म रेता सीस देच पाया। कसूर इतना ही सी कि आप सत्यवादी सन, परंपरावादी नहीं सन। साईं मियां मीर जो आप दे अनन भगत सन, जद आप दी ए दशा वेखी कि आप दे सीस ते गर्म गर्म रेता पाया जा रहा है, आप नू तत्ती तवी ते बिठाया होया, तां दुख तो के रो उठे। गुरुदेव ने उस वक्त जिहड़े बचन उचारण कीते, बकौल एक शायर, सुन के हा सतगुर ने मियां छोड़ो प्रीति चाम से, क्या हुआ तन तप गया मन शांत है हरि नाम से। आपदे ही बचन ने चंदन चंदन सरद रुत, मूल न मिटे घाम, शीतल थीवे नानका जपंदड़ो हरि नाम। बाहर दी गर्मी और बाहर दी ठंड इते बाहर ही रहंदी है, पर अंदर दी शीतलता ते हरि नाम नाल मिलदी है, और अंदर दी तमाम गर्मी हरि नाम दे नाल दूर होंदी है, प्रभु सिमरन दे नाल दूर होंदी है। तो सिमरन दा ही सागर, ज्ञान दा सागर गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज, ए महान देन जगत नूं गुरु अर्जन देव जी महाराज दी है।